जी क्लास है आपका, चैप्टर तो खत्म हो गया था आपको। मैं जीपीएस का एक रहता है लेक्चर, वो भी मैं आपको भेजूंगा, ये सी में मैं भी आपको करवा देता हूँ। आज हम कुछ एमसी फिल इन दी ब्लैंक्स और इसकी एक्सरसाइज वगैरह कर लेते हैं। यही आपका होमवर्क होगा और इसी से ही आपने होमवर्क करना है। आपने जो फिल इन दी ब्लैंक्स हैं वो आपने बुक भी करनी है। मैं यहाँ से आपको समझा देता हूँ। अ कंप्यूटर कैन बी कनेक्टेड टू अ नेटवर्क आर यूज टू शेयर इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेस। मतलब वो इंफॉर्मेशन को, देखें अब वो कहता है कि कंप्यूटर को जब आप कनेक्ट करते हैं नेटवर्क से, ठीक है, और यूज करते हैं किसके लिए, ताकि आप इंफॉर्मेशन शेयर कर सकें और जितने भी आपके पास रिसोर्सेज है, ठीक है। सेंडिंग डिवाइस इज ऑल्सो नोन एज डैश, मीन्स सोर्स आर ट्रांसमीटर। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज कम्युनिकेशन डिवाइस इज डैश मोडेम। लैन स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। नेटवर्क कवर वेर ये लार्ज जियोग्राफिक एरिया इज कॉल्ड डैश नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। मॉडेम स्टैंड फॉर मॉडुलेशन एंड डी मॉडुलेशन। एनआईसी स्टैंड फॉर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। कम्युनिकेशन मीडियम दैट इज मेड अप ऑफ अ थिन ग्लास फाइबर इज डैश फाइबर ऑप्टिक। ये एक आपकी रहती थी, ये मैंने आपको नहीं करवाई, ये मैं भी नीचे आपको नोट्स में करवा देता हूँ। सेटेलाइट कम्युनिकेशन इज अ टाइप ऑफ अ डैश एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। जीपीएस स्टैंड फॉर ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। उसके बाद एंड चूज द करेक्ट आंसर। प्रिंटर प्लॉटर स्कैनर सीडी रोम ड्राइवर आर नोन एज कंप्यूटर रिसोर्सेज। रिसीविंग डिवाइस इज ऑल्सो नोन एज सिंक। सेंट्रलाइज कंप्यूटर विच मेनी कंप्यूटर आर अटैच सर्वर। अ नेटवर्क यूजली कवर अ लार्ज कैंपस। मैन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेटेलाइट नेविगेशन सिस्टम जीपीएस। ट्रू आर फॉल्स। क्लाइंट आर टिपिकली मोर पावरफुल। कहते हैं कि क्लाइंट जो है वो पावरफुल, तो ये हमने पढ़ा था क्लाइंट सर्वर के अंदर। क्लाइंट इतना पावरफुल कंप्यूटर नहीं होता, सर्वर फॉल्स है इसलिए। रिसोर्सेज कहते हैं शेयर नहीं हो सकते लैन में, तो ये भी फॉल्स है। वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर वाइड एरिया नेटवर्क इज इंटरनेट, तो ये बात ट्रू है। नेटवर्क कैन बी फॉर्म विदाउट कम्युनिकेशन डिवाइसेस। कहते हैं कि नेटवर्क जो है वो फॉर्म हो बगैर कम्युनिकेशन डिवाइस नहीं होगी, तो फिर तो नहीं हो सकता है, इसलिए ये फॉल्स है। डायल अप मोडेम इज अ सॉफ्टवेयर। कहते हैं कि डायल अप मोडेम जो है वो सॉफ्टवेयर है, तो ये बात भी क्या है, फॉल्स है। एनआईसी इज यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर। कहते हैं कि एनआईसी को आप यूज करते हैं कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए, तो ये बात क्या है आपकी, ट्रू है। ट्विस्टेड पेयर केबल इज द लेटेस्ट, तो ये बात भी क्या है जी, ट्रू है। उसके बाद इसी के अंदर एक सेटेलाइट कम्युनिकेशन कहते हैं वाइड एरिया, तो ये बात भी ट्रू है। जीपीएस नेटवर्क कहते हैं गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस सर्विस, तो ये नहीं होता, ग्लोबल पोजीशन होता है, इसलिए ये फॉल्स है। ब्लूटूथ का कह रहे हैं कि वायरलेस टेक्नोलॉजी, तो यही बात है जी, वायरलेस टेक्नोलॉजी है। उसके बाद इसके अंदर आते हैं जी मैच दी कॉलम मॉडेम। मॉडेम के आगे आपका ट्रांसमिशन मीडियम, कॉक्सल केबल, कॉक्सल केबल है, ठीक है। फिर उसके बाद नेविगेशन सिस्टम के साथ आपका आ जाएगा जीपीएस, ठीक है, और शॉर्ट डिस्टेंस के साथ आपका सेलुलर मोबाइल फोन आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले इसमें देखते हैं जी कौन कौन से किसके साथ आएंगे और कौन किसके साथ आ जाएंगे। अब मोडेम की अगर हम बात करें तो मोडेम एक क्या है, कम्युनिकेशन डिवाइस है। उसके बाद कॉक्सल केबल, तो वो क्या है, एक ट्रांसमिशन मीडियम के तौर पर काम करती है। नेविगेशन सिस्टम की आप बात करें तो जीपीएस, शॉर्ट डिस्टेंस की बात करें तो ब्लूटूथ, मोबाइल फोन की बात करें तो सेलुलर कम्युनिकेशन। उसके बाद है जी डिफाइन कंप्यूटर नेटवर्क। व्हाई डू वी यूज कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क का तो मैंने आपको बता दिया था, कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, ये ऑलरेडी हमने लिखा भी हुआ है, ठीक है। और यूज क्यों करते हैं, अ नेटवर्क कैन बी यूज फॉर सिंपली टास्क लाइक शेयरिंग प्रिंटर, ये सारी ये हमने पढ़ी भी हुई है, ठीक है। उसके बाद उसने पूछा है डिस्कस, तो ये लैन वैन मैन मैंने आपको क्लास में करवा दिया था। उसके बाद मॉडेम का पूछ रहे हैं, तो मॉडेम भी हमने क्लास में कर ली थी, और इसकी टाइप्स भी एक्सटर्नल और ये वाली टाइप्स ही हमने कर ली थी। उसके बाद मैंने आपको लास्ट में एक लेक्चर भेजा था जिसमें कटिंग एज टेक्नोलॉजी, इसमें आई थिंक ब्लूटूथ था, जीपीएस सिस्टम था, और ये आपका सेटेलाइट सिस्टम था, वो उधर से ही आपने करना है जो आपको लेक्चर
भेजा गया है। अगर नाउ थेरेमी में चेक कर लेता हूँ, वो आई थिंक लेक्चर मैंने एक आपको भेजा हुआ है कटिंग एज टेक्नोलॉजीज के हवाले से है, वो लेक्चर जो मैंने लास्ट टाइम आपके साथ शेयर किया था, तो वही आपका ये सारा का सारा सिस्टम आपका वही है। उसके बाद ये कहता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग फाइबर ऑप्टिक। अगर हम फाइबर ऑप्टिक की बात करें तो फाइबर ऑप्टिक बेसिकली थिन ग्लास होती है, ठीक है। ये फाइबर ऑप्टिक में ये मैं आपको अलग से भेज दूंगा, ये यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल लिखूंगा, बाकी ये जीपीएस और ब्लूटूथ और ये सारी की सारी चीजें आपकी यहाँ पे ही है। फाइबर ऑप्टिक्स में आपको अलग से भेजूंगा, बाकी दो टाइप की, तो यही आज का आपका होमवर्क भी होगा।